गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इस समय हम खड़े हुए हैं अपने गन्ने के खेत में, गांव में आए हुए हैं। घर पे फंक्शन था, आप सबकी परीक्षाएं भी चल रही हैं, गेस्ट पेपर भी दिया जा रहा है, और इसके बीच में घर का काम भी है। तो काम नहीं करेंगे तो गाली ज़रूर सुनने को मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पर गाली दी जाती है, मतलब हम लोगों को दी जाती है। जो घर के बड़े होते हैं वो गरियाने में ज़रा सा भी समय नहीं लगाते। तो अब देखिए वीडियो बना रहे हैं, ये भी हम गाली सुनने वाला काम कर रहे हैं। ये हमारे पापा हैं और ये क्या कर रहे हैं आपको पता है? इसको हम कुछ कहते हैं यार, इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, ये तो हम पढ़े रहे हैं। इस समय गन्ने के खेत में हम लोग हैं, और गन्ने के खेत में देखिए, गन्ने का खेत जब बोया जाता है, यानी कि जब पहली बार गन्ना खेत में लगता है तो उसको बुआरी कहते हैं, और जब एक बार गन्ना फिर कटता है बड़ा होकर के, फिर दोबारा नहीं बोया जाता है, फिर से वो उपज उसमें होती है, उसको हम कहते हैं पेड़ी। बुआरी अलग होती है, पेड़ी अलग होती है। बुआरी आगे है, आगे 6 बीघा गन्ना बुआरी है, और 2 बीघा का गन्ना जो है पेड़ी है। यहाँ पे अभी 10 बीघा पापा, 6 बीघा है ना नाना, 8 बीघा का गन्ना पेड़ी है, बुआरी है। और इस समय देखिए जो पेड़ी का खेत है उसमें ये बड़े बड़े घास जम गए हैं, इसे खरपतवार कहते हैं। और देखिए पापा जी हमारे कार्य अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा काम करते हुए। आप सब ऐसे इस समय सब ऐसे कर डालेंगे, तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। और ये हमारे हैं गोलन भाई, तब तक काम हो जाएगा। ये पैसे से जो है बहुत कुछ है, क्या क्या करेंगे भगवान जाने इनको। और ये हमारे साइंटिस्ट महोदय हैं। साइंटिस्ट महोदय, ये बताइए कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, अभी आप जॉब भी वहीं कर रहे हैं शिव शक्ति में, तो इसका क्या रीज़न है कि कैसे जमाता है? गर्मी पाके जमता है टेम्परेचर के कारण। क्या, अरे तेज से बोलो सब सुने, गर्मी पाके जमता है टेम्परेचर के कारण, तो कहीं भी जम जाएगा क्या टेम्परेचर पाके? नहीं ऐसा नहीं, एक मतलब होना चाहिए टेम्परेचर इसके लिए, अलग अलग हर क्रॉप के लिए होता है। गन्ना के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। अच्छा, तो मतलब ख़त्म हो जाएगा कि खोदना पड़ेगा इसको? कोई दवा आती है इसके लिए कि नहीं आती? दवा तो आती है, दवा आती है। आप शादी कब करें भैया? हाँ, छोटे वाले का परीक्षा हो गया। देखिए जो मेरे घर में कार्यक्रम था वो इनसे 2 लोगों से छोटे भाई हैं, वो बहुत जल्दी शादी करने के इच्छुक थे, वो शादी कर लिए। आप कब कर रहे हैं बताइए? रिश्ता विश्ता कोई हो, अगर अच्छी लड़की हो, सुशील कन्या हो, आप लोग बताइएगा। ये समय गोल्ड मेडलिस्ट हैं, BSc है जी MSc है जी, और साथ साथ अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत हैं लखनऊ में। अच्छी सुंदर सुशील कन्या अगर हो तो बताइएगा ज़रूर। अरे काहे मार दा हमका, ठीक है कुछ हो अब सुपरवाइजर बोल दे बाटी, और बड़ी पोस्ट बोलें तो हमसे क्या मतलब। और देखिए फकीरे भाई हमारे, फकीरे भाई इस समय हमारे पैर में लग गई है चोट, फावड़ा लग गया है, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम करेंगे तो उसमें मिट्टी। फकीरे भाई बहुत विचित्र चेहरा है फकीरे भाई का, देखिए फकीरे भाई एकदम से विलेन लग रहे हैं भोजपुरी फिल्म के। फकीरे भाई कुछ बोलिए आप, ट्रैक्टर चलाने में कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। फकीरे भाई की आँख देखिए एकदम, जो काम करवा लो ट्रैक्टर में, एग्रीकल्चर में कुछ भी करवा लो, सब कर देते हैं। सब कर देते हैं। क्या क्या करते हैं? रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, ट्राली, जोरा बेटर का होते है, वो भी फार है। उसके बाद ट्राली, कुछ भी काम करवा लो मुझसे। घरों घोड़ा थे क्या सबके? हाँ, घर द्वार सब भी घोड़वाओ, जुतवाओ, कुछ भी करवाओ, घरों द्वार के रेल देते हैं, पेड़ पाल के नेपाल पहुँचा देते। अरे यार चलिए, एक लोग ये आ रहे हैं दाढ़ी रखा है, दाढ़ी अब्बू महोदय। घर से हम लोगों से पहले निकले थे पैदल पैदल, वहाँ राजनीति कर रहे हैं जाके। चलिए काम करिए, देखिए गन्ने का खेत। अरे तो तुम, हम चला लेते हैं, सब जानते हैं कि हम चलाते हैं। ये देखिए गन्ने का कान जिसे कहते हैं, देखिए बहुत लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। सूट करने का सिर्फ यही एक वो मोटो नहीं है कि आपको पहली बार दिखाना है कि क्या हो रहा है। देखिए गन्ने का खेत, देखिए यह जो है ये बुआरी है, बुआरी में गन्ना कितना जमा हुआ है आप देखिए, और ये पेड़ी है, कितना डिफरेंस है देख लीजिए यहाँ पर। तो ये सब काम हो रहा है, मिलते हैं अगले ब्लॉक के साथ, धन्यवाद।